तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में टेरेसा नाम की लड़की झील के किनारे बैठी होती है, जब अचानक कोई चीज उसके पास आकर उसे डरा देती है। ये असल में उसके कजन जेस के बॉयफ्रेंड कैलेब का एफपीवी ड्रोन होता है, जो उसने जानबूझकर टेरेसा को डराने के लिए उसके पास लाया होता है। टेरेसा कैलेब पर गुस्सा होती है और उसे जेस के बारे में पूछती है। कैलेब बताता है कि जेस की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और वो दवाई खाकर सो गई है। टेरेसा जेस का हालचाल जानने वापस इनके लेक साइड कैबिन पहुंचती है। कैबिन के अंदर जेस अपने कमरे में लेटी हुई होती है। टेरेसा जेस का हालचाल पूछती है और फिर उसी के पास बैठकर एक किताब पढ़ने लगती है। किताब पढ़ते हुए टेरेसा एकदम चौंक पड़ती है, क्योंकि जेस अचानक उठकर बैठ गई होती है और वो कुछ बड़बड़ा रही होती है। पहले तो टेरेसा कुछ समझ नहीं पाती कि जेस क्या बड़बड़ा रही है। फिर जब वो ध्यान से सुनती है तो जेस असल में बिना देखे ही उस किताब की लाइनों को बोल रही होती है, जिस किताब को टेरेसा पढ़ रही होती है। और फिर जेस इस किताब की लाइनों को बहुत अजीब ढंग से जोर जोर से बोलने लगती है। टेरेसा कहती है, चुप हो जाओ जेस, लेकिन जेस और जोर जोर से बोलती जाती है। टेरेसा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बस करो जेस, प्लीज बस करो। जेस चुप हो जाती है। टेरेसा उसकी तरफ आगे बढ़ती है। अचानक जेस बिस्तर से नीचे गिर जाती है। उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वो अपने ऊपर ही उल्टी करने लगती है। फिर वो बेहोश हो जाती है। टेरेसा दौड़कर उसे उठाती है। तभी जेस अचानक टेरेसा का गला पकड़ लेती है और फिर हंसते हुए उसके बालों की गुद को पकड़कर उसके सिर से चमड़ी समेत उसके बालों को उधेड़ देती है। उधर झील के किनारे कैलेब अभी भी अपना ड्रोन उड़ा रहा होता है, जब वहां टेरेसा जख्मी हालत में वहां पहुंचती है। कैलेब उसकी हालत देखकर बुरी तरह से डर जाता है। टेरेसा के पीछे पीछे जेस भी वहां आ जाती है, जो टेरेसा के बालों को फेंक कर आगे बढ़ती है और कैलेब के ड्रोन के पास जाने लगती है। कैलेब कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही जेस उस ड्रोन को पकड़ लेती है। फिर वो कैलेब की तरफ देखकर मुस्कुराती है और अपने चेहरे पर उस ड्रोन को मार लेती है और झील में गिर जाती है। टेरेसा के रोकने से पहले ही कैलेब जेस को बचाने के लिए झील में कूद पड़ता है, लेकिन तभी अचानक कैलेब पानी में छटपटाने लगता है और कुछ ही सेकंड्स बाद उसका कटा हुआ सर उड़ता हुआ पानी से बाहर गिरता है। फिर टेरेसा देखती है कि पानी के अंदर से जेस बाहर निकलने लगती है और हवा में उड़ने लगती है। इस घटना से ठीक एक दिन पहले गिटार टेक्नीशियन बेथ, जो कि अपनी प्रेग्नेंट होने की बात से थोड़ी परेशान होती है, अपनी बहन एली से मिलने लॉस एंजल्स पहुंचती है, जो कि एक सिंगल मदर होती है, जो अपने बच्चों डैनी, ब्रिजिट और कैसी के साथ एक बहुत पुरानी बिल्डिंग में रह रही होती है, जो कि पहले एक पुराना बैंक हुआ करता था। बच्चे अपनी आंटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। रात के खाने के लिए एली बच्चों को पिज्ज़ा लेने के लिए भेज देती है। बच्चे पिज्जा लेकर वापस बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं कि तभी जोरों से भूकंप आने लगता है। पूरी बिल्डिंग बुरी तरह से हिलने लगती है और पार्किंग एरिया के फर्श पर जगह जगह दरारें पड़ने लगती हैं। बच्चे दौड़कर एक पिलर के नीचे बैठ जाते हैं। ऊपर एली और बेथ भी इस भूकंप से डरकर एक साथ जमीन पर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद भूकंप थम जाता है, लेकिन भूकंप के कारण पार्किंग की फर्श पूरी तरह से जगह जगह टूट जाती है और एक जगह पर एक बड़ा छेद हो जाता है। डैनी को इस छेद के अंदर एक पुरानी बैंक की तिजोरी दिखती है और क्योंकि इन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है, ब्रिजिट के मना करने पर भी वो इस छेद से नीचे उतर जाता है। इस जगह की छानबीन करने पर उसे पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन 1823 की एक फोटो और 3 विनाइल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। इसके अलावा उसे एक बहुत बड़ा पत्थर का संदूक भी दिखता है, जिसके ऊपर बहुत सारी जीसस क्राइस्ट की लॉकेट्स लटकी हुई होती हैं। भूकंप के कारण ये संदूक एक तरफ से टूट गई होती है, जिसके अंदर कपड़े में कुछ लिपटी हुई चीज पड़ी होती है। डैनी इस चीज को बाहर निकालकर कपड़े को हटाता है कि तभी बहुत सारे कॉकरोच इसके अंदर भरे पड़े होते हैं, जो डैनी के चारों तरफ उड़ने लगते हैं। डैनी उन्हें बड़ी मुश्किल से हटाता है और देखता है कि ये चीज एक बहुत पुरानी अजीब सी किताब होती है। उधर ऊपर एली को अपने बच्चों की चिंता होने लगती है। वो अपने पड़ोसी गैब्रियल से मदद मांगती है। इनकी आवाज सुनकर एली के फ्लोर्स के दूसरे पड़ोसी मिस्टर फोंडा भी वहां आ जाते हैं, लेकिन तीनों बच्चे लिफ्ट के जरिए वापस पहुंच जाते हैं। इसके बाद डैनी और ब्रिजिट डैनी के कमरे में इस किताब को देखने लगते हैं। डैनी कहता है, ये किताब काफी पुरानी लगती है ब्रिजिट, इसे बेचकर हमें शायद कुछ पैसे मिल जाएं, जिससे हम माँ की मदद कर पाए। फिर डैनी इस किताब को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये किताब उससे खुलती ही नहीं, क्योंकि बहुत ही अजीब से तीखे दांतों ने इस किताब को एक शिकंजे की तरह बंद किया हुआ था। डैनी की उंगलियां इस किताब को खोलते हुए इन तीखे दांतों से कट जाती हैं और उसका कुछ खून इस किताब पर गिर जाता है। डैनी का गिरा हुआ खून बहुत ही रहस्यमय ढंग से ये किताब पी जाती है और फिर वो तीखे दांतों का शिकंजा अपने आप ही खुल जाता है। डैनी किताब को खोलकर इसके पन्ने पलटने लगता है।
किताब के हर पन्ने पर इंसानों को अजीब अजीब ढंग से मारने की तस्वीरें बनाई गई थी, जो देखने में बहुत ही डरावनी और दिल दहलाने वाली थी। ब्रिजिट इन तस्वीरों को देखकर डर जाती है और किताब को बंद कर देती है। फिर वो डैनी को कहती है कि तुम अभी इस अजीब से किताब को वापस उस जगह फेंक कर आओ। डैनी कहता है, माँ मुझे अभी जाने नहीं देगी, मैं इसे कल उस जगह फेंक आऊंगा, ठीक है। ब्रिजिट वहां से चली जाती है, जिसके बाद डैनी इस किताब के साथ मिले विनाइल रिकॉर्ड्स को सुनने लगता है। रिकॉर्डिंग्स को सुनकर उसे पता चलता है कि सेंट पैट्रिक कैथीड्रल के लाइब्रेरियन फादर मार्कस को ये किताब उनके विदेशी चर्च के दोस्तों से मिली थी। इस किताब का नाम नॉटरम डिमोंटो है, जिसे मौत की किताब भी कहा गया। फादर मार्कस इस किताब का अनुवाद करना चाहते थे, लेकिन चर्च के बड़े अधिकारियों ने उन्हें इस चीज की अनुमति नहीं दी। इसलिए फादर मार्कस अपने दो साथियों के साथ गुप्त तरीके से इस किताब का अनुवाद करने लगे। उनके शुरुआती अध्ययन से उन्हें पता चला कि ये किताब इंसान के मांस से बनी है और इस किताब पर लिखी हुई चीजें और बने हुए चित्र इंसान के खून से बनाए गए हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि इस किताब में अलग अलग तरह के प्राचीन अनुष्ठान और तंत्र मंत्र की चीजें लिखी गई हैं, जिसके उच्चारण से शैतानी शक्तियों को बुलाया जा सकता है। आगे की रिकॉर्डिंग में फादर मार्कस बताते हैं कि आज जनवरी 24, 1923 है और मैं इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला हूँ। फिर वो इन मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। डैनी इस रिकॉर्डिंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग रुकती ही नहीं और इन मंत्रों का उच्चारण होता चला जाता है और मौत के किताब के पन्ने भी अपने आप ही पलटने लगते हैं। तभी कोई शैतानी शक्ति इन लोगों की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगती है। उधर एली बच्चों के कपड़ों को धोने के लिए लिफ्ट से बेसमेंट में पहुंचती है और जैसे ही बाहर निकलती है, वह शैतानी शक्ति उसे धकेल कर लिफ्ट के अंदर फेंक देती है और लिफ्ट को जोर से सीधा बेसमेंट से टॉप फ्लोर तक उछाल देती है, जिससे एली बहुत जोर से लिफ्ट में गिरती है और बेहोश हो जाती है। लिफ्ट भी बुरी तरह से टूट जाती है। उधर मौत की किताब के पन्ने भी पलटना बंद हो जाते हैं और जिस हिस्से पर वो ये किताब रुकती है, उस पर एक लड़की बनी हुई होती है, जिसके हाथ पांव बुरी तरह से मुड़े हुए होते हैं। कुछ समय बाद एली को होश आता है। वो लिफ्ट के दरवाजे को अपनी गाड़ी की चाबी से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। तभी एली को अपने पीछे किसी की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन तभी कोई चीज उसे लिफ्ट के बीच में धक्का दे देती है। वो चारों तरफ देखती है, वहां कोई नहीं होता, लेकिन उसे अपने चारों तरफ अजीब अजीब सी चीखने, चिल्लाने, रोने और गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। फिर अचानक कोई चीज उसके दाएं कान की बाली को उखाड़ फेंकती है, जिससे दर्द के मारे एली नीचे बैठ जाती है। उसके चारों तरफ ये आवाजें बढ़ती ही जाती हैं, जिसे एली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और जोर से चीखते हुए वो कहती है, चुप हो जाओ। सारी आवाजें अचानक बंद हो जाती हैं। तभी कोई चीज एली के बाएं तरफ से उसके बाल उखाड़ देती है। वो दर्द से कराह रही होती है कि तभी लिफ्ट के ऊपर से एक वायर एली के गले से लिपट जाती है और उसे ऊपर खींच लेती है, जिससे उसका गला घुटने लगता है। एली खुद को बचाने के लिए अपने पैर से लिफ्ट के एक तरफ पांव रखती है, लेकिन तभी एक और वायर एली के पांव को पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। इस तरह बहुत सारी वायर्स लिफ्ट के चारों तरफ से आती हैं और एली के हाथ और पांव को बुरी तरह से जकड़ लेती हैं। फिर धीरे धीरे उसके हाथ और पांव को ये वायर्स मोड़ने लगती हैं। एली दर्द से चीख पड़ती है और देखते ही देखते ये वायर्स एली के हाथ और पांव को अलग अलग जगह से तोड़ देती हैं। उधर डैनी भी डर के मारे किताब को बंद कर देता है, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में लाइट चली जाती है। ब्रिजिट बाहर देखकर पैथ को बताती है कि हमारे ही बिल्डिंग की लाइट गई है शायद। डैनी भी फ्यूज वगैरह चेक करता है, सब कुछ ठीक होता है। इसके बाद ब्रिजिट कैंडल चला रही होती है कि तभी इनके अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है और बाहर एली अंधेरे में खड़ी होती है। वो धीरे धीरे अजीब ढंग से चलते हुए अंदर आती है। ब्रिजिट अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और किचन में चली जाती है। किचन में पहुंचकर एली अंधेरे में गैस फुल फ्लेम पर ऑन करके उस पर एक पैन रखती है और फिर उसमें अजीब ढंग से अंडे फोड़ती चली जाती है। बेथ वहां आती है और उसे कहती है, एली तुम ठीक तो हो ना? एली कहती है, पता है आज मैंने एक सपना देखा। बहुत अच्छा मौसम था, पक्षी गा रहे थे और हम सभी पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। पता है मेरा मन क्या कर रहा था? कि तुम सभी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं। फिर वो ये कहकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है। गैस पर रखा हुआ पैन बुरी तरह से गर्म हो जाता है, जिसे एली ने पकड़ा हुआ था। वो बुरी तरह से हिलने लगती है और फिर पैन को नीचे गिरा देती है। बेथ और बच्चे एली को इस हालत में देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। एली को थोड़ा होश आता है और वो कहती है, बेथ ये मेरे अंदर है। जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है और जानवरों की तरह रेंग रेंग कर बेथ और बच्चों की तरफ बढ़ने लगती है। ये सभी किचन से भागकर बाहर मेन हॉल में आ जाते हैं। एली भी इनके पीछे वहां आ जाती है और अचानक पूरे कमरे में वो बहुत ज्यादा उल्टी कर देती है। फिर वो कहती है, बेथ प्लीज मेरे बच्चे को इस शैतान से बचा लेना, और फिर वो बेहोश हो जाती है।
अगले ही पल बेथ और डैनी एली को हॉस्पिटल ले जाने के लिए घसीट कर लिफ्ट की तरफ ले जाने लगते हैं। ये दोनों जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि लिफ्ट पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। बेथ और डैनी तुरंत बिल्डिंग की सीढ़ी वाले रास्ते को चेक करते हैं। भूकंप की वजह से ये सीढ़ियां भी पूरी तरह से टूट चुकी होती हैं। बेथ एली की तरफ देखती है, उसने दम तोड़ दिया होता है। कुछ समय बाद बेथ एली के कमरे में बैठी होती है। वो कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले एली ने पागलों जैसे हरकतें करना शुरू किया, फिर उसकी तबीयत खराब हुई और उसके कुछ ही समय बाद वो मर गई। वो ये सब बातें गैब्रियल और मिस्टर फोंडा को बता रही होती है, जिनकी मदद से वो एली की डेड बॉडी को उसके कमरे में लेकर आई होती है। गैब्रियल एली की डेड बॉडी के पास खड़े होते हैं। एली की आंखें अभी भी खुली हुई थी। गैब्रियल उसे बंद कर देते हैं, लेकिन वो फिर से खुल जाती हैं। गैब्रियल एकदम चौक पड़ते हैं। वो फिर से एली की आंखें को बंद करते हैं। इस बार एली की आंखें बंद हो जाती हैं। मिस्टर फोंडा भी कहते हैं, आखिर एली के चेहरे को हुआ क्या? ऐसा लगता है इसे किसी ने बुरी तरह से मारा है। गैब्रियल कहते हैं, मैं एक काम करता हूँ, फायर एस्केप लैडर से उतरकर कुछ मदद लेकर आता हूँ। मिस्टर फोंडा कहते हैं, वो तो रूम नंबर 82 से होते हुए जाता है जो बंद पड़ा है। उधर कैसी और ब्रिजिट इस घटना से बहुत डर गए होते हैं और डैनी को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि उसी की वजह से उसकी माँ एली की मौत हुई। एली के अपार्टमेंट से बाहर आकर गैब्रियल रूम नंबर 82 के दरवाजे के ताले को तोड़ने लगता है, लेकिन वो टूट ही नहीं रहा होता। मिस्टर फोंडा कहते हैं, रुको, मैं अपनी शॉटगन लेकर आता हूँ। उधर एली की आंखें दोबारा से खुल गई होती हैं और एक मक्खी उसकी आंखों पर चल रही होती है। उसके पास बैठी हुई बेथ का भी ध्यान उस मक्खी पर जाता है कि तभी एली अपनी पलकें झपकाती है और बेथ की तरफ देखती है। बेथ एकदम डर कर खड़ी हो जाती है। अगले पल एली भी अपने बिस्तर पर उठ जाती है। बेथ तुरंत एली को पकड़ लेती है। उसका शरीर बुरी तरह से तप रहा होता है। बेथ और डैनी तुरंत एली को बाथरूम टब में लेटा देते हैं, जिससे कि उसका शरीर थोड़ा ठंडा हो जाए। एली बुरी तरह से तड़पने लगती है और कुछ देर बाद अपने आप ही हवा में उछलकर छत पर चिपक जाती है। फिर एली बड़े ही अजीब ढंग से दीवार पर आगे आती है और इन दोनों की तरफ देखकर पूरी तरह से चीखती है। ये चीख इतनी भयंकर होती है कि बाथटब का पानी गर्म होकर खौलने लगता है। बेथ और डैनी इस आवाज को सहन नहीं कर पाते और उन्हें अपने कान बंद करने पड़ते हैं। ब्रिजिट और कैसे भी अपने कान बंद कर लेती हैं और बाहर खड़े मिस्टर फोंडा और गैब्रियल को भी ये चीख सुनाई देती है। ये दोनों एली के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। फिर एली अचानक चुप हो जाती है और बाथटब के खोलते हुए गर्म पानी में गिर जाती है। फिर वो एकदम बाहर निकलती है। डैनी कहता है, माँ। एली कहती है, तुम्हारी माँ को तो कीड़े खा गए। फिर वो एकदम से बाथटब से बाहर निकलकर इनकी तरफ बढ़ने लगती है। बेथ और डैनी वहां से भागकर मेन हॉल में आ जाते हैं। एली भी अपने हाथ में कांच का टुकड़ा लेकर बाथरूम से बाहर मुस्कुराती हुई निकलती है और इन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। फिर एकाएक वो बेथ पर कांच से हमला कर देती है और उस कांच को उसके हाथ के आर पार कर देती है। बेथ को दर्द में देखकर एली हंसने लगती है और फिर से वो कांच का टुकड़ा निकालकर उस पर दोबारा से हमला करने लगती है कि तभी ब्रिजिट वहां आ जाती है, जो अपनी माँ को रोकने के लिए कहती है। वो रुक जाती है और बेथ नीचे गिरकर सरकते हुए एली से दूर चली जाती है। फिर एली कहती है, बेटी, मैं सच कहती हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे क्या हो गया है? ब्रिजिट कहती है, मुझे नहीं पता माँ। फिर एली कहती है, मैं जानती हूँ मुझे क्या हुआ है, मैं अब आज़ाद हूँ तुम कीड़ों से जिन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ था। और फिर ब्रिजिट को धक्का देकर एली उसके ऊपर चढ़ जाती है और टैटू बनाने वाली मशीन अपने हाथ में ले लेती है। पहले वो ये टैटू मशीन ऑन करके अपने चेहरे में गाड़ लेती है और फिर उस टैटू मशीन से ब्रिजिट की आंख को फोड़ने लगती है। ब्रिजिट एन वक्त पर अपने चेहरे को मोड़ लेती है, जिससे उसकी आंख तो बच जाती है, लेकिन एली उस टैटू मशीन को उसके चेहरे में गाड़ देती है। तभी डैनी वहां आकर एली को कुर्सी से जोर से मारकर गिरा देता है और ब्रिजिट को उठाकर ये सभी एली से दूर हो जाते हैं। एली अंधेरे में खड़ी होकर अपने हाथ से इशारा करती है, इन सब में से किसको खाऊं? तभी बाहर से गैब्रियल एली के अपार्टमेंट में अंदर आते हैं। एली गैब्रियल को देखकर उस पर हमला कर देती है और उसके ऊपर चढ़कर उसे पूरी तरह से काटने की कोशिश करने लगती है, जिसके कारण ये दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं। फिर एली बुरी तरह से गैब्रियल की आंख को काट लेती है और उसकी आंख को खा जाती है। गैब्रियल दर्द से कराहते हुए नीचे गिर जाता है। उधर एली के गले में गैब्रियल की आंख फंस जाती है, जिसे जब वो उगल कर बाहर निकालती है वो पास ही में खड़े एक लड़के के गले में जा फंसती है, जिससे वो मर जाता है। उसी वक्त बेथ दौड़ कर आती है और इनके अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। बाहर खड़ी एली दरवाजे पर अपने सर को जोर जोर से मार रही होती है। बेथ, डैनी और ब्रिजिट तीनों मिलकर एक भारी अलमारी दरवाजे के आगे रख देते हैं। फिर बेथ दरवाजे के आई होल से बाहर देखती है तो एक छोटा बच्चा एली से बचने के लिए भाग रहा होता है, जिसे एली मार देती है। तभी गैब्रियल दरवाजे के सामने आ जाता है और इनसे मदद मांगने लगता है।
एली उसके भी गले को अपने हाथों से फाड़ कर मार देती है। तभी एली को गोली लगती है और वो उछल कर एक तरफ गिर जाती है। ये गोली मिस्टर फोंडा ने अपने शॉटगन से चलाई होती है। वो सोचते हैं कि एली मर गई, लेकिन वो मरी नहीं होती और वो मिस्टर फोंडा को भी मार डालती है। फिर दरवाजे के आई होल से एली भी अंदर देख कर मुस्कुराने लगती है। उधर अपार्टमेंट के अंदर ब्रिजिट डैनी से कहती है, माँ बिल्कुल उस किताब की तस्वीरों की तरह लग रही थी। तुम्हें वो किताब उस जगह से नहीं चुरानी चाहिए थी, तुम्हारी वजह से ही माँ ऐसी हो गई है। डैनी कहता है, नहीं ये मेरी गलती नहीं है। और फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। बेथ वहाँ आकर इन्हें रोकती है और समझाती है कि कभी भी बुरे वक्त में एक दूसरे के खिलाफ मत होना। फिर डैनी बेथ से कहता है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। वो बेथ को अपने कमरे में ले आता है जहाँ वो उसे मौत की किताब दिखाता है। उधर बाहर कैसी मेन हॉल में अपनी बहन ब्रिजिट के साथ बैठी होती है, जो काफ़ी देर से चुपचाप अपनी चोट पर रुमाल रखकर बैठी होती है। कैसी उसे बुलाती है, वो कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उधर डैनी के कमरे में बेथ उस किताब के पन्नों को पलटते हुए बुरी तरह से सहम जाती है। बाहर मेन हॉल में तभी कैसी को अपनी माँ एली के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दरवाजे की तरफ चली जाती है। उधर डैनी बेथ को बताता है कि उसने जब वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स चलाई थी, उसमें एक आदमी ने कुछ पुराने मंत्रों का उच्चारण किया था, जिसके बाद ये सब होने लगा। डैनी कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। उधर ब्रिजिट किचन में अपनी चोट को देख रही होती है, जब उसकी चोट अचानक से सड़ने लगती है और ब्रिजिट को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तभी उधर डैनी के कमरे में उस मौत की किताब के पन्ने अपने आप ही पलटने लगते हैं और वो जिस पन्ने पर रुकता है उसमें एक लड़की के मुँह से अजीब सी चीज़ें निकल रही होती हैं। उसी वक्त किचन में ब्रिजिट के मुंह, नाक और कानों से अजीब सी काली चीज़ निकलने लगती है। उधर कैसी अपनी माँ से बात करने लगती है, जो उससे कहती है कि देखो तुम्हारे पिता भी आए हैं, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, तुम दरवाज़ा खोलो बेटी, फिर मैं तुम्हें एक प्यारी सी छप्पी दूंगी। उधर किचन में ब्रिजिट की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है और वो पानी पीकर अपने मुँह को साफ कर रही होती है कि तभी उसे उल्टी आने लगती है और वो बहुत सारे कीड़े अपने मुँह से उगल देती है। बाहर मेन हॉल में कैसी दरवाजे का लॉक खोल देती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, एली उसके हाथ को पकड़ लेती है और बुरी तरह से खींचने लगती है। कैसी पूरी तरह से चीख पड़ती है। डैनी और बेथ वह आ जाते हैं और बड़ी मुश्किल से कैसी को बचाकर दरवाजे को दोबारा से बंद कर देते हैं। डैनी कैसी को लेकर उसके कमरे में आ जाता है और बेथ ब्रिजिट को ढूंढने लगती है। बेथ को ब्रिजिट किचन में मिलती है, जहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा होता है और ब्रिजिट किचन के स्लैब के ऊपर अजीब ढंग से बैठकर कुछ देख रही होती है। बेथ उसके पास आती है और उसे कहती है, ब्रिजिट तुम क्या देख रही हो। वो कोई जवाब नहीं देती और कुछ खाने लगती है। बेथ थोड़ा डरते हुए उसके और करीब जाती है। तभी ब्रिजिट पीछे मुड़ती है, वो एक कांच के गिलास को खा रही होती है। बेथ को देखकर वो कहती है, आंटी मेरे पेट में बहुत सारे कीड़े हैं, मैं ये कांच इसलिए खा रही हूँ ताकि वो कीड़े मर जाएं, आप भी ऐसा ही किया करो। जिसके बाद वो कांच के टुकड़े निगलने लगती है, जो उसके गले में उसे चुभते हुए उसके पेट में चले जाते हैं। बेथ उसे रोकने की कोशिश करती है कि तभी ब्रिजिट बेथ के मुंह पर खून थूक देती है। बेथ पीछे हटते हुए नीचे गिर जाती है। ब्रिजिट भी कांच के गिलास को फेंक कर बेथ के करीब बढ़ने लगती है। बेथ ब्रिजिट को जोर से लात मारकर पीछे गिरा देती है और भागने लगती है कि तभी ब्रिजिट बेथ के पैर को पकड़ लेती है और आलू को कद्दूकस करने वाली चीज से बेथ के पैर पर बुरी तरह से रगड़ देती है। बेथ दर्द से चिल्ला उठती है और पास ही पड़े फ्राई पैन से ब्रिजिट को जोर से मारती है, जिससे वो पीछे गिर जाती है। बेथ की चीख सुन दूसरे कमरे से डैनी वहां आ जाता है, जो ब्रिजिट को देखकर डर जाता है। ब्रिजिट डैनी को देखकर उसके पीछे दौड़ पड़ती है। डैनी वहां से भागकर कैसी के कमरे में आ जाता है। ब्रिजिट भी वहां आ जाती है और फिर वो कैसी को देखकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन कैसी ने लकड़ी का भाला बनाया होता है, जिसे वो अपने आगे कर देती है, जो सीधा ब्रिजिट के मुंह से घुसकर उसके सर के आर पार हो जाता है। ब्रिजिट उस लकड़ी के भाले को अपने सर से बाहर निकालती है और फिर मर जाती है। बेथ और डैनी ब्रिजिट की लाश को एक चादर में लपेट कर बांध देते हैं। इसके बाद बेथ कहती है, मुझे वो रिकॉर्डिंग्स सुननी ही होंगी, शायद उसके जरिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमें ज़रूर मिल सकती है जिससे हम इस चीज़ को रोक सकें। डैनी कहते हैं, लेकिन लाइट तो है ही नहीं। बेथ क्योंकि एक गिटार टेक्नीशियन होती है, वो घर पर पड़े हुए छोटे बैटरीज की मदद से डैनी के सिस्टम को ऑन कर लेती है। फिर बेथ डैनी को एक चाकू देती है उसकी और कैसी की सुरक्षा के लिए और उन्हें मेन हॉल में चौकन्ना होकर बैठने के लिए कहती है। इसके बाद बेथ रिकॉर्डिंग्स के तीसरे पार्ट को सुनने लगती है। रिकॉर्डिंग में फादर मार्कस कहते हैं कि ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है, इस मौत की किताब को नष्ट नहीं किया जा सकता, जिस किसी को भी ये किताब मिले इसे हमारे चर्च के खुफिया तिजोरी में छुपा दे, मैंने इस किताब के मंत्रों को पढ़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे एक बहुत भयानक शैतानी शक्ति जाग गई है, इसने मेरे एक साथी को अपने वश में कर लिया है,
उधर बाहर मेन हॉल में कैसी डैनी से कहती है, कहीं दीदी माँ की तरह ही दोबारा चिंता तो नहीं हो जाएंगी। डैनी कैसी को कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। बाहर खड़ी एली गुस्से से दरवाजे को अपने नाखूनों से खुरच रही होती है, जिसकी आवाज डैनी को भी सुनाई देती है। उधर बेथ को रिकॉर्डिंग में पता चलता है कि फादर मार्कस और उनके दूसरे दोस्त के बहुत प्रार्थनाओं के बाद भी वो इस शैतानी शक्ति को अपने दोस्त के अंदर से नहीं निकाल पाए, उल्टा वो इनके दूसरे दोस्त में भी घुस गई। फादर मार्कस की मदद के लिए चर्च के काफी सारे लोग आए, लेकिन ये शैतानी शक्ति उनमें भी घुस गई। तभी उधर ब्रिजिट की लाश की टांगे अपने आप हिलने लगती है। उधर बाहर दरवाजे पर खड़ी एली को बिल्ली की आवाज आती है, वो ऊपर देखती है, ये आवाज एग्जॉस्ट वेंट से आ रही होती है। एली मुस्कुराने लगती है। डैनी कैसी को साथ लेकर दरवाजे के बाहर देखता है, वहां कोई नहीं होता। उधर रिकॉर्डिंग में फादर मार्कस बताते हैं कि ना ही आग से जलकर इन्हें कुछ होता है और ना ही जमीन के अंदर गाड़ने पर इन्हें कुछ होता है, ये हर बार दोबारा वापस आ जाते हैं। उन्होंने हर संभव कोशिश की इस श्राप को खत्म करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उधर ब्रिजिट की डेड बॉडी बुरी तरह से हिलने लगती है। दरवाजे के पास खड़े डैनी और कैसी को तभी वेंट में से आवाज आती है, ये उस आवाज के पीछे जाने लगते हैं। कैसी कहती है, ये शायद मिस्टर फोंडा की बिल्ली होगी। वो आवाज बेथ की कमरे की तरफ जा रही थी। डैनी कहते हैं, मुझे नहीं लगता। और इनके पीछे पीछे ब्रिजिट भी एक चादर ओढ़े आ रही थी। डैनी बेथ के कमरे का दरवाजा खोलने वाले होते हैं कि तभी उन्हें कैसी के पीछे ब्रिजिट दिखती है, जो उड़ते हुए कैसी को पकड़ने आ रही थी। डैनी तुरंत दौड़कर कैसी को हटा देते हैं और ब्रिजिट से टकरा जाते हैं। उसने बेथ का दिया हुआ चाकू ब्रिजिट के पेट में गाड़ दिया था, लेकिन ब्रिजिट को इसका कोई असर नहीं होता और वो डैनी को हवा में उठाकर किचन के स्लैब पर गिरा देती है। फिर अपने पेट से चाकू निकालकर डैनी के बाजू में गाड़ देती है। उधर बेथ अभी भी रिकॉर्डिंग को सुन रही थी, जिसमें फादर मार्कस बताते हैं, मैं एक कमरे में छिपा हुआ हूं और इनको मारने का बस एक ही तरीका है, इनके शरीर के टुकड़े कर दो। बेथ के पीछे एली वेंट के रास्ते अंदर आ जाती है। उधर ब्रिजिट डैनी के ऊपर उड़ने लगती है और फिर बुरी तरह से खून की उल्टी उसके मुंह पर कर देती है। डैनी खून से लथपथ हो जाता है। वो ब्रिजिट के ऊपर से चादर को हटा देता है, जिसके बाद ब्रिजिट डैनी के हाथ से चाकू निकाल कर कहती है, मैंने तुम्हें कहा था वो किताब मत लेकर आओ। और फिर वो मुस्कुराते हुए चाकू डैनी की छाती में गाड़ देती है। डैनी खुद को बचाने के लिए पास में पड़े हुए कीड़ों को मारने वाले स्प्रे को जलते हुए गैस पर चला देते हैं, जिससे आग की ज्वाला निकलकर ब्रिजिट को जला देती है और वो बुरी तरह से तड़प कर जमीन पर गिर जाती है। उधर बेथ अभी भी रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है, जिसमें फादर मार्कस कहते हैं कि मैंने इनके टुकड़े करके भी देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेथ के पीछे एली अब दीवार पर धीरे धीरे रेंग कर उसके पास आ रही थी। फादर मार्कस फिर कहते हैं कि मेरे कमरे के बाहर ये शैतान मेरा नाम पुकार रहे हैं और किसी भी वक्त मैं भी इनकी तरह हो जाऊंगा। इस शैतानी शक्ति को खत्म नहीं किया जा सकता, इनसे जितना दूर हो सके भाग जाओ, भाग कर ही तुम अपनी जान बचा सकते हो। तभी बेथ को एली खिड़की के शीशे में दिख जाती है। वो तुरंत उससे पीछे हट जाती है और फिर एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर उसके गले में गाड़ देती है। अगले ही पल बेथ कमरे के दरवाजे को तोड़कर मेन हॉल में गिरती है। बाहर उसे डैनी दिखता है, वो दौड़कर उसके पास जाती है, जो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कैसी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे माफ कर देना बहन। तभी एली बेथ को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, मैं तुम सबकी आत्माओं को खा जाऊंगी। तभी वो बेथ को सूंघने लगती है और कहती है, अरे एक आत्मा नहीं, मुझे तो आज दो आत्माएं खाने को मिलेंगी। फिर वो बेथ के पेट में अपने नाखून गाड़ने लगती है। बेथ गिड़गिड़ाते हुए उसे कहती है, ऐसा मत करो बहन। एली कहती है, तुम्हारी बहन नर्क में सड़ रही है, तुझे और तेरे बच्चे को भी मैं वही भेजने वाली हूँ। वो बेथ के पेट को फाड़ने ही वाली होती है कि कैसी अपनी आंटी की तरफ एक बड़ी कैंची फेंकती है, जिसे बेथ सीधा एली के सिर में घुसेड़ देती है, जिसके कारण एली मर जाती है। ये दोनों दौड़कर अपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ गलियारे में लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। लिफ्ट खराब होती है, इसलिए बेथ रूम नंबर 82 के फायर एग्जिट से भागने के लिए दरवाजे को मारने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उधर एली फिर से जिंदा हो जाती है और अपने मुंह से कैंची निकाल लेती है। बाहर बेथ को मिस्टर फोंडा की शॉटगन दिख जाती है, जिसे लेकर वो दरवाजे के ताले को गोली से उड़ाने वाली होती है कि तभी एली चीखती हुई इन पर हमला कर देती है। बेथ एन वक्त पर गोली एली की तरफ चला देती है, जिससे एली का पांव उड़ जाता है और वो गिर जाती है। बेथ दोबारा से एली पर गन तान लेती है। एली कहती है, बेथ मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। बेथ गोली चलाने ही वाली होती है कि उसके पैरों को एक हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसका निशाना हिल जाता है और एली का बाया हाथ गोली लगने से उड़ जाता है। बेथ नीचे देखती है तो मिस्टर फोंडा की लाश बोलने लगती है और कहती है, ये मेरी बंदूक है। बेथ बंदूक से मिस्टर फोंडा के सर पर मारने लगती है।
तभी एली के अपार्टमेंट से दोनों बच्चे फिर से जिंदा होकर बाहर आ जाते हैं और अपनी माँ एली की बॉडी के पास बैठकर रोने लगते हैं। कैसी कहती है, आंटी बेथ देखिए। तभी ब्रिजिट और डैनी बेथ और कैसी की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। एली कहती है, सुबह होने तक इस बिल्डिंग के सब लोग मरेंगे। और फिर यही चीज इस गलियारे में पड़ी सारी लाशें दोहराने लगती हैं, सब मारे जाएंगे। बेथ कैसी को लेकर लिफ्ट की तरफ दौड़ पड़ती है और अपनी शॉटगन में गोलियां भरने लगती है। कैसी लिफ्ट के फर्श पर डर के मारे बैठी होती है जब उसे लिफ्ट के दरवाजे के बीच में गाड़ी की चाबी दिखती है। वो जैसे ही चाबी उठाती है, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और बेथ जल्दी से लिफ्ट की बटन दबाने लगती है। तभी लिफ्ट अपने आप ही चालू हो जाती है। बेथ को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी लिफ्ट में हर जगह से खून गिरने लगता है। उधर बाहर गलियारे में ब्रिजिट और डैनी एली के शरीर को फाड़ने लगते हैं और अपने हाथों को उसके अंदर घुसाने लगते हैं। इसके बावजूद एली जोर जोर से हंसने लगती है। उधर लिफ्ट के अंदर बुरी तरह से खून भरने लगता है। उस मौत की किताब के पन्ने फिर से अपने आप पलटने लगते हैं और इस बार वो जिस पन्ने पर रुकती है उसमें एक आदमी होता है जिसके बहुत सारे हाथ और टांगे होती हैं। लिफ्ट के अंदर खून बुरी तरह से भर चुका होता है। लिफ्ट के बाहर लाशें बुरी तरह से चीख रही होती हैं, तुम नहीं बच पाओगे। उधर एली और उसके दोनों बच्चे गलियारे से गायब होते हैं और एक एग्जॉस्ट वेंट का ढक्कन खुला हुआ होता है। लिफ्ट के अंदर बेथ और कैसी खून में डूबने वाले होते हैं, इसलिए बेथ लिफ्ट के ऊपर बने ओपनिंग को खोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी वहां से बहुत सारे हाथ लिफ्ट के अंदर घुसने लगते हैं। लिफ्ट में खून भरता चला जाता है और इतना ज्यादा हो जाता है कि वो टूटकर सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरता है और खून के साथ बेथ और कैसी लिफ्ट के दरवाजे को तोड़कर बाहर बह निकलते हैं। बेथ तुरंत अपने होश संभालती है और कैसी को उठाती है, वो भी ठीक होती है। ये दोनों फटाफट पार्किंग एरिया में पहुंचकर गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। कैसी फटाफट पार्किंग एरिया के गेट को खोल देती है। बेथ गाड़ी को लेकर पार्किंग एरिया से जाने लगती है कि तभी इनकी गाड़ी पार्किंग एरिया के एक टूटे हुए फर्श के हिस्से में फंस जाती है। कैसी पीछे देखती है, कोई पार्किंग एरिया का दरवाजा खोल अंदर आ गया था। कैसी बेथ को कहती है, वो आ गए। बेथ गाड़ी से बाहर देखती है तो अंधेरे में कोई बहुत ही अजीब सी चीज जिसके बहुत सारे हाथ और पांव होते हैं इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। और ये चीज जैसे ही गाड़ी के अंदर झांकती है, बेथ और कैसी वहां नहीं होते, वो गाड़ी के दूसरी तरफ आगे होते हैं। बेथ कैसी को लेकर धीरे धीरे गाड़ी के आगे के हिस्से में देखती है। तभी एली, डैनी और ब्रिजिट के सर गाड़ी के दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं। ये दोनों डर कर वहां से गाड़ी के पीछे आ जाते हैं। वो चीज इनके पास आने लगती है। बेथ कैसी को लेकर एक पिलर के पीछे छिप जाती है। तभी पार्किंग एरिया से बाहर जाने वाले गेट बंद होने लगता है। ये दोनों गेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं और गेट के ठीक बंद होने से पहले बेथ गेट से बाहर कूद जाती है और कैसी भी बाहर कूदने वाली होती है कि तभी वो चीज कैसी के पैरों को पकड़कर अंदर खींच लेती है। वो चीज कैसी को खींचकर एक गाड़ी के पीछे ले जाती है। बेथ अंदर घुसने के लिए गेट के साथ बने दरवाजे को तोड़ने लगती है। उधर कैसी को वो चीज एक ट्रक के अंदर ले आती है और जैसे ही ये चीज कैसी के पास आती है, ये चीज एली, डैनी और ब्रिजिट के शरीर से मिलकर बनी हुई होती है। फिर इस हैवान का डैनी वाला हिस्सा एक रिप्सॉ मशीन को उठाकर कैसी का गला काटने वाली होती है कि तभी बेथ दौड़ते हुए वहां आती है और इस हैवान पर शॉटगन से गोली चलाती है। वो हैवान अब बेथ की तरफ बढ़ने लगता है। बेथ उस पर गोली चलाने लगती है कि तभी वो हैवान उस पर रिप्सॉ मशीन फेंकता है जिससे बेथ नीचे गिर जाती है और उसकी दूसरी गोली साया चली जाती है। उधर कैसी ट्रक से नीचे उतरकर वहां से भागकर एक पिलर के पीछे छिप जाती है। फिर वो हैवान बेथ की तरफ पड़ने लगता है। बेथ उस रिप्सॉ मशीन को पकड़ने लगती है, लेकिन उससे पहले ही वो हैवान बेथ को अपनी तरफ खींचने लगता है और इस हैवान का ब्रिजिट वाला हिस्सा इस ट्रक के एक हैंडल को ऑन कर देता है। असल में ये ट्रक एक कूड़ा पीसने वाली मशीन थी और ये हैवान बेथ को इसके अंदर डालकर मारने की कोशिश करने लगता है। कैसी ये सब कुछ देख रही होती है और वो दौड़कर इस मशीन को बंद कर देती है। बेथ तुरंत इस हैवान को लात मारकर नीचे गिरती है और वो हैवान उस कूड़ा पीसने वाली मशीन के ठीक सामने आ जाता है। बेथ तुरंत रिप्सॉ मशीन को उठा लेती है और कैसी बेथ के इशारे पर मशीन को दोबारा से ऑन कर देती है। बेथ रिप्सॉ इस हैवान के अंदर डाल देती है और फिर उसे मशीन के अंदर धकेलने लगती है। धीरे धीरे इस हैवान का ब्रिजिट और फिर डैनी वाला हिस्सा मशीन के अंदर पिस जाता है और फिर एली का भी धड़ मशीन के अंदर जाकर पिस जाता है। पूरे पार्किंग एरिया में इस हैवान के टुकड़े फैल जाते हैं। मशीन के सामने सिर्फ एली का सिर बचता है जो बेथ को गालियां देने लगता है। बेथ उसे भी लात मारकर मशीन के अंदर पीस देती है। फिर ये दोनों यहां से चले जाते हैं। अगली सुबह इस बिल्डिंग के एक दूसरे फ्लोर के एक अपार्टमेंट से एक लड़की निकलती है। ये लड़की जेस थी। लिफ्ट खराब होती है इसलिए वो सीढ़ियों से एग्जिट लेकर पार्किंग एरिया में पहुंचती है। ये अपनी दोस्त टेरेसा से बात कर रही होती है। ये लोग लेक साइड ट्रिप पर जा रहे होते हैं।
जेस गाड़ी में बैठती है और जैसे ही गाड़ी के रियर व्यू मिरर को ठीक करती है, उसे पीछे वो खून से लथपथ ट्रक दिखता है। वो गाड़ी से उतरकर ट्रक के पास जाकर देखती है, चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े पड़े होते हैं जो हिल रहे होते हैं। वो बुरी तरह से डर जाती है। तभी उसके चारों तरफ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और फिर वह शैतानी शक्ति इस लड़की के अंदर भी घुस जाती है। ये वही लड़की थी जो आज अपनी दोस्त टेरेसा और बॉयफ्रेंड कैलेब को मारने वाली थी।